हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपको कुर्ती में पॉकेट लगाना बताऊंगी। ये देखिए, उसके लिए हमने क्या करना है, पहले हम अपने जो कुर्ती का जो भी नाप है उसके हिसाब से जो है हम अपने जो है कटिंग कर लेंगे पहले कुर्ती की। उसके बाद जो है ये देखिए, जैसे हम 14.5 पर वेस्ट का निशान लगाते हैं, ऐसे ही वेस्ट का निशान लगाया मैंने। और यहाँ से हमने जो है ऊपर से 23 पर निशान लगाया, जो हमारा हिप का नाप होगा। उसके बाद जो है हमारी जो भी फिटिंग है हम उस पर अपना निशान लगा देंगे। उसके बाद तब हमारी फिटिंग का जो भी निशान है वो लगने के बाद जो ये हमारा वेस्ट का वही 14.5 वाला निशान है मेरा, और ये ऊपर से जो 23 पर हमने लिया ऊपर से ये वाला निशान हमारा, ये वो निशान है। अब देखिए, यहाँ से जो है हम 1 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है हम 6 या 6.5 के लिए जो हम पॉकेट जो अंदर इसका मुंह बनाएंगे जो हाथ डालने के लिए, वो हम 6 या 6.5 तक जो है हम ले सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर 6.5 पर निशान लगा, सॉरी 6 पर निशान लगाऊंगी, आप 6.5 भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा 1.5 इंच जो है यहाँ पर बच जाता है। अगर हम 6.5 लेना चाहें तो हम यहाँ पर 0.5 इंच और बढ़ा देंगे, जिसमें हमारा 1 इंच बच जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है क्योंकि हमारा ये यहाँ पर बच चुका है। तो मैं यहाँ पर अब 6.5 पर ये दोनों निशान मैंने लगा दी है। ऊपर से हम ऐसे ही लेकर आएंगे और ये वाला जो है 0.5 इंच हम यहाँ से लेंगे, ऐसे 0.5 इंच यहाँ लेंगे और 0.5 इंच हम यहाँ से लेंगे, ये निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे, ऐसे करकर हम मिला देंगे। अब जो है ऊपर से यहाँ से जो है हम अपनी कटिंग कर देंगे, यहाँ से ये और ये वाली कटिंग जो है हम इसको करेंगे। ये जो निशान जो है, लेकिन हमारे को राइट साइड पर लगाना है। हमने ये देख लेना है कि हमारी जो है कुर्ती, अगर हम राइट से काम करते हैं तो राइट साइड पॉकेट लगेगी, हम लेफ्ट से यूज करते हैं तो लेफ्ट में पॉकेट लगेगी। तो मैं राइट जो है यूज करती हूँ तो मेरी जो है पॉकेट जो है वो राइट साइड में आएगी। ये देखना है आपने सीधी कर ये हमारी राइट साइड में आई है। तो ऐसे हमने ये निशान लगाना है। अब इसको हम खोल देंगे ऐसे कर, ये हमने खोल दिया। अब एक ही साइड जो है हमने ये पॉकेट जो लगानी है ये यहाँ पर लगानी है। ये देखिए ऐसे करेंगे और इसको यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, ये ऐसे करके, और इसको यहाँ से इस पीस को हम यहाँ से निकाल देंगे। ये ऐसे कर मैंने जो है एक साइड की निकाल दी है। ऐसे ही मैंने जो है बैक साइड जो अपना काटा हुआ है सूट का, ये देखिए ये बैक साइड मैंने काटा हुआ है। अब इसको भी हम ऐसे सीधा रखेंगे, ये देखिए ऐसे मैंने सीधा रखा, और ऐसे ही इसके ऊपर जो है हम ये पीस ऐसे ही सीधा रख देंगे। तो ये पॉकेट देखिए हमारी जो है राइट साइड में ही आएगी, सीधे ये उल्टे पर उल्टा रखा और इसको बिल्कुल इसके साथ ऐसे ऐसे कर हम इसको इसको हम यहाँ पर ऐसे कर सेट कर देंगे ऊपर से लाते हुए। ये हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसके बाद जो है सेम ऐसी ही कटिंग जो है हम इस पर करेंगे, ऐसे कर ये सेम ऐसे ही कटिंग हमने ऐसे करी है। उसके बाद जो है हम पॉकेट बनाएंगे। देखिए पॉकेट के लिए जो है मैंने ये कपड़ा लिया है जिसकी ये, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए जिसकी जो लंबाई जो है वो मैंने 11 इंच ली है, ये 11 इंच मैंने टोटल इसकी लंबाई ली है। इसकी चौड़ाई जो है वो 6.5 ली है, डबल कर मैंने, मतलब 13 इंच जो है ये मैंने पूरा कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई जो है ये 13 इंच ली है, जिसको डबल करके मैंने ये 6.5 ये पूरा हो गया। ये मैंने अपने पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई ली है, जिसमें मार्जिन भी इसी में ही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए 0.5 इंच जो है हम ऊपर से लेंगे, ऐसे कर निशान लगाया मैंने। उसके बाद जो पॉकेट का जो मैंने 6 इंच जो है यहाँ से, हमने पॉकेट अपनी खुली रखनी है, ये हमने 6 इंच यहाँ से लिया और यहाँ से भी 0.5 इंच जो है मैंने ये लिया, 0.5 इंच का मैंने ये निशान लगा दिया। उसके बाद जो है हम अपना ऐसे कर हाथ रखेंगे, ऐसे कर ये ऐसे शेप देंगे इसको, और यहाँ से लेते हुए ये जो 0.5 इंच यहाँ से मैंने लेंगे, यहाँ से निशान लेते हुए इसको ऐसे करेंगे यहाँ से, और ऊपर से ये कॉर्नर पे ऐसे लेकर आएंगे। देखिए यहाँ से लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे लेकर आएंगे और इसको ये शेप देंगे, ये शेप देंगे, और उसके बाद
यहाँ से इसको यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए ये वाली शेप इसको यहाँ से देनी है, बिल्कुल ऐसे गोलाई मिलाते हुए यहाँ से, और इसको ऐसे ये शेप हमारे को इसमें पॉकेट के लिए देनी है। ये देखिए अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए ये आधा इंच जो मैंने लिया है इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे और इसको यहाँ से गोलाई में इस कॉर्नर तक इसको ऐसे कटिंग करनी है। अब देखिए ये हमारी कुर्ती है। ये देखिए जो हमने जो पॉकेट काटी है उसका हम एक पीस लेंगे, उसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए सीधे पर सीधा रखना है, ऐसे करकर ये नोक वाली साइड जो हमारी ऊपर आएगी, गोलाई वाली साइड हमारी नीचे की साइड आएगी, ऐसे करकर। अब इस पॉकेट को यहाँ पर हम ऐसे करकर रखेंगे, ये ऐसे करकर। अब यहाँ से लेकर और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे पूरा, वो सॉरी सिलेंगे यहाँ से ऐसे सीधा करकर। इस पर हम पिन लगा सकते हैं ऐसे करकर, और ये हम सिलेंगे ऐसे। और उसके बाद दूसरा वाला पीस जो हमने कट करा था उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, सीधे पर सीधा रखते हुए ऐसे करकर। और यहाँ पर एक मशीन लगाएंगे इसके साथ में आधा इंच की, और इसको यहाँ से हम सिल देंगे। तब हम इसको यहाँ से ऐसे करकर सिलेंगे तो ये पोर्शन जो है हमारा ऐसे करकर आ जाएगा, ऐसे करकर। तो ये हम सिलते हैं। हाँ ये देखिए फ्रेंड, अब जो है हम इसको यहाँ से सिलेंगे। आधा इंच मैंने यहाँ से लिया है, आधा इंच जो है ये मैंने पहले यहाँ से लिया था। ये देखिए ये हमारा सीम अलाउंस है ये वाला। अब इस वाली पर हम सिलाई लगाएंगे, तो ये यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे और इसके यहाँ से हम सिलाई लगा देते हैं। सीधी सिलाई लगानी है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। इस कट से निशान ये ऐसे लगाएंगे और इसको हम सीधी सिलाई यहाँ तक कॉर्नर तक लगा देंगे। ये ऐसे करते हैं और इसको लाकर हल्का सा इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। देखिए अब जो है ये ऐसे सिल जाएगी। ये देखिए ऐसे इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे और ये यहाँ पर ये हमारी जो है फिनिशिंग आ गई है पॉकेट के लिए। ये देखिए यस ऐसे ही जो है सेम दूसरी साइड से सिलेंगे हम। तो ये मैं एक सिल के आपको दिखा दी है, बिल्कुल सीधी और सिंपल सिलनी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद जो है ये वाली भी मैंने सिल दी है बैक साइड में जो लगेगी। ये देखिए ये ऐसे करकर ये ऐसे हो गया, ये दोनों साइड से हमारी जो है ये सिल गई है। उसके बाद जो है सीधे पर ये मैंने निशान लगाया था फिटिंग का अपना। तो अब जो फिटिंग जो हम करेंगे, ये देखिए ये हमारी जो फिटिंग का निशान है। ये देखिए फ्रेंड ये जो पॉकेट जो है यहाँ से हमने एक सिलाई लगा के दोनों में ये ऐसे करकर हमने सिल दिया। अब उसके बाद के जो हमारे ये फिटिंग का निशान है, ये देखिए यहाँ से देखिए फ्रेंड ये जो है अब हमारा फिटिंग का जो निशान है इसको हम यहाँ से ऐसे करके निशान लगाएंगे। ये वेस्ट तक हम जो है ये पूरा निशान लगाएंगे। उसके बाद ये यहाँ से ये ऐसे थोड़ा सा तिरछा लेंगे जो हम शेप देंगे, और उसके बाद इस वाली पॉकेट पर लेकर आएंगे। ये देखिए आधा आधा इंच यहाँ से ऐसे लाते हुए ऐसे, और इसके बाद यहाँ से इसको शेप दे देंगे। और ये यहाँ से गोलाई में लाते हुए पूरा सेम ऐसे ही ऐसे यहाँ से लेकर आएंगे, सीधा यहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ से लेकर और इसको यहाँ पर ये यहाँ तक हम इसको सिल देंगे ऐसे करकर। ये देखिए ऐसे लाएंगे इसके बाद यहाँ पर, और इसको यहाँ से कट देते हुए ये गोलाई ऐसे ये फिर ऐसे यहाँ तक लाएंगे, और इसके बाद यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। तो अभी हम इसको सिल कर दिखाती हूँ। अब जो है हम अपनी फिटिंग के हिसाब से जो है हम इसमें सिलाई करेंगे। ये देखिए ऐसे करके लाएंगे इसको यहाँ देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे वेस्ट के बाद जो है हमने अपने इस पे पॉकेट पर लेकर आना है ऐसे करकर, ये ऐसे करते हुए इसके साथ साथ मिला दो। देखिए अब इसको यहाँ से ऐसे लाएंगे घुमाकर ये ऐसे करते हुए। अब ये वाली जो शेप है यहाँ से लाकर और इसको हम यहाँ से सीधा मिला कर देंगे। अब ये देखिए इसको यहाँ से ये वाली जो हमारी जो सिलाई है इसको हम इस साइड कर देंगे ऐसे अंदर की साइड में। कैसे और इसको रोक देंगे और अब इसको यहाँ से खोल देंगे। खोलने के बाद जो है अब यहाँ पर सीधी निशान जो है जिस पर हम
सिलाई लगाएंगे ऐसे और यहाँ पर डबल कर देंगे ऐसे कर, बस अब इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने सिलाई लगा दी ऐसे कर, अब हम इसको यहाँ से ऐसे कर हम सीधा करेंगे ऐसे कर। ये देखिए अब हमने इसको सीधा किया और ये जो है हमारी पॉकेट जो है ये रेडी हो चुकी है। इसको हम ऐसे करेंगे और ये हमारी पॉकेट जो है ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी फिनिशिंग से जो है ये पॉकेट हमारी रेडी हुई है। ये पॉकेट वैसे यहाँ से ऐसे हाथ डालेंगे और ये अंदर से ये सिल चुकी है। ये देखिए आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाई है। ये आप कोई भी आप लगा सकते हैं, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत ही आइए ये बहुत काम आएगी पॉकेट आपके और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग भी आएगी और ये अच्छी तरह जो है फिटिंग भी आ जाएगी आपकी। उस साइड से आप जैसी फिटिंग कर आप चाहते हैं वैसी आप उस फिटिंग कर सकते हैं। राइट साइड में मैंने ये पॉकेट लगाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।